डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का 88वां दीक्षांत समारोह 13 अप्रैल को कराया जा रहा है। वहीं इस बार जो है FH कॉलेज की MBBS की छात्रा हुमा जाफर को 12 मेडल दिए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इस बार जो है गोल्डन गर्ल जो है वो हुमा जाफर बनेगी। चलिए चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की उनकी तैयारियाँ रहीं, कैसा स्ट्रगल रहा, और अब जो आने वाले जो छात्र हैं वो किस तरीके से अपने तैयारियाँ कर सकते हैं, वो भी जो है इस विश्वविद्यालय से मेडल प्राप्त कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय द्वारा जो दीक्षांत समारोह में आपको काफ़ी मेडल मिले हैं। जी, इसके अलावा तैयारियाँ किस तरीके से रहीं आपकी, जो आपको इस तरीके से विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मेडल मिले? तैयारी तैयारी हमेशा जो है, हम कभी भी ये सोच कर नहीं स्टार्ट करनी चाहिए कि मुझे मेडल लेना है या फिर मुझे टॉप करना है। हमेशा जो तैयारी स्टार्ट होती है वो ऐसी स्टार्ट होनी चाहिए कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट इन सेंस कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ पर स्टॉप करना है, क्योंकि MBBS एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम UG में भी पढ़ते हैं, PG में भी पढ़ते हैं, सुपर स्पेशलिटी में भी पढ़ते हैं, वो एक सब्जेक्ट कई जगह पढ़ना होता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि हमें कितना पढ़ना है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा, जो भी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो इसी पर्पज़ के लिए होते हैं, हमें बताने के लिए कि कितना करो, कैसे करो और कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो जब भी मैं जब भी आंसर्स लिखती थी या जो भी लिखती थी, मैं भी स्टार्टिंग में, मेरे भी उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, बट धीरे 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 फिर टीचर्स ने मुझे बताया कि कैसे लिखना, क्या लिखना, और वो ग्रैस्प करना होता है। ये नहीं कि बस सुन के छोड़ दिए, उनको समझना होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर वही, वो जैसे बताएं, जैसे प्रेजेंटेशन होता है, फिर कुछ अपनी उसमें आप जो डाल सकते हैं वो, और कॉन्सेप्ट्स, ये तीन चीज़ जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप अगर आप करेंगे तो मेडल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहेंगे तो आप आगे चल के बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। जी, इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि MBBS में अक्सर ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो फर्स्ट फ्लॉप और सेकंड फ्लॉप में ज़्यादा फेल होते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या कमियाँ रहती हैं छात्रों की पढ़ाई में? पढ़ाई से ज़्यादा ये होता है कि वो छात्र, कई छात्र बाहर से आते हैं, मेडिकल कॉलेज पेरीफेरीज में होते हैं या फिर कहीं भी होते हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, तो जब वो आते हैं नए नए, जैसे मैं भी आई थी, तो होम सिकनेस होता है सबसे पहले, तो उन्हें घर का जो भी रहता है तो उन्हें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर एडजस्ट करते करते जब वो निकलते हैं तब तक फर्स्ट ईयर के वो आ जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने का ये एक तरीका है कि वो डेली, चाहे जो हो जाए, स्टार्टिंग में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, जो भी हो जाए, उन्हें दिन में 2 से 3 घंटे अपने वो रखने चाहिए कि चलो इसमें मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है, इतना ही उनको वो रखना होता है कि इससे ज़्यादा हो ना हो बट इतना करना है। अगर वो इतना करेंगे ना तो वो उसको ओवरकम करके वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उन्हें क्लासेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारी MBBS की क्लासेस होती है उनको बंक करने की, जो आजकल की चली हुई है, वो बंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका फाइनल ईयर में आपकी 60% चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको वही पढ़ना होता है। एनाटॉमी अगर अच्छी है आपकी तो सर्जरी अच्छी है, पैथो माइक्रो अच्छा है तो आपका मेडिसिन अच्छा है, इस वजह से आपको कोरिलेट करने की आपको चीज़ अच्छी मिल जाती है। जी, चलिए, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको इस बार विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन में 12 मेडल मिले, तो तैयारियाँ किस तरीके से आपने की थी, किताबों से या फिर टीचर ने गाइड किया था, किस तरीके से रहा था, कितने घंटे आप पढ़ा करती थी? घंटों को मैं तो कभी देखती नहीं थी, मैं हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे मैंने भरोसा रखा है। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मुझे, जैसे एक चैप्टर है तो मुझे उसको कितना कंप्लीट करना है आज के दिन में, मेरा हमेशा वो रहता था। मैं हमेशा सब्जेक्ट वाइज चलती थी तो मैं हमेशा यही टारगेट रखती थी। इसके अलावा टीचर्स की अपनी जगह है, बुक्स की अपनी जगह है। आप जब बुक्स देखेंगे तो बुक्स बहुत, MBBS की बुक्स बहुत बल्कि होती हैं, उनको पूरा पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो टीचर्स ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेशेंट्स कौन कौन से आपको डेली OPD में मिलते हैं उन पे ही क्वेश्चंस आते हैं, रेयर डिजीजेस पे तो बहुत कम ही बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये इन सब चीज़ों को बताते रहते हैं। तो टीचर्स की बातों को और उनको, उन्होंने जैसे आपको बताया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स पर मैं हमेशा ध्यान देती थी, मैं हमेशा, गाइड बुक्स की अपनी जगह होती है लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से ना फिर आपको बहुत डेप्थ मिलता है किसी भी टॉपिक पे। तो स्टैंडर्ड बुक्स में हमेशा कहूँगी किसी भी सब्जेक्ट के हमेशा स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करना चाहिए। जी, हमें एक चीज़ बताइए कि आपको, आप मेडल मिले तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहती है, किसकी मतलब इतनी मेहनत रही आपकी रही और साथ में किसी का जो मनोबल आपका बढ़ाया जिसने? सबसे पहले तो मेरे माता पिता, जी, माई पेरेंट्स, वो थ्रू आउट जो है, कभी अगर अच्छा हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते थे, कोई बात नहीं हुआ, आगे देखो, आगे का अच्छा करो। उसके अलावा मेरे टीचर्स, जो भी मेरे टीचर्स थे, जैसे सेकेंड ईयर में अगर मैं नाम लूँ तो फिर उरूस मैम थी और CK चौधरी सर थे, फिर थर्ड ईयर में पंचील शर्मा सर थे,
इन सब ने मेरी बहुत मदद की। मतलब इस टाइम पे लगता है जब एग्जाम आने वाला होता है तब लगता है कि नहीं होगा यार छोड़ दो, बट उन लोगों को बताना कि नहीं हुआ तुम अच्छा कर रही हो और अच्छा कर सकती हो, ये सब चीज़ों से मनोबल बढ़ता है। तो फिर मेरा यही, मेरे पेरेंट्स और मेरे दो भाई, छोटे भाई बहन और मेरे टीचर्स, इनके मेंबरशिप। कैसा लग रहा है आपको विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन में आपको मेडल मिलने वाले हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने मेडल्स मिलेंगे। मैं जब आई थी तो मेरा बस यही टारगेट था कि यहाँ से अच्छे से पास होकर निकलना है, बट जब मुझे इन्फॉर्म किया गया कि तुम्हें इतने सारे मेडल्स मिल रहे हैं तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। मैं तो दो तीन बार देखी अपना पूरा नाम कि इतने सारे सही में मिल रहे हैं या नहीं, बट फिर अच्छा लगा मुझे सुन के। फिर मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा किया है तुमने, तुम्हारी मेहनत काम आई। जी, आगे का क्या है, क्या करना चाहेंगे? आगे मैं अभी तो मैं ये जो भी मेरा इंटर्नशिप है इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे आजकल में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं आगे पीजी की तैयारी में जो भी है उसको करूँगी, फिर मैं सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाना चाहूँगी। जी जी, इसके अलावा उमा अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही प्रॉप में जो है अधिकतर बच्चे तीन तीन चार चार साल तक फेल होते हैं, उनको तीन अटेम्प्ट मिलते हैं सप्लीमेंट्री में और मेन में एक चार अटेम्प्ट उनको मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं, तो वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबका एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होता है, हो सकता है उनकी कोई इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी जो वो अपना रहे वो गलत हो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हो सकता है वो पढ़ाई नहीं ढंग से कर रहे हो, बट अगर वो पढ़ रहे हैं उसके बाद नहीं हो रहा है तो उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार एनालाइज करना चाहिए और उसे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पढ़ते तो सभी हैं, जो भी आता है वो अपना पढ़ाई तो करता ही है, बट जो स्ट्रैटेजी होती है या अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी ऐसे जो उनके ट्रस्ट वर्दी है उनको वो एक बार सुन ले, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करेगी, हो सकता है दूसरे के लिए वो नहीं वर्क करे, तो उन्हें ये समझना होगा कि उन पे क्या वर्क करता है। उन्हें अगर समझ में, अगर उन्हें वीडियो लेक्चर से समझ में आते हैं तो वीडियो लेक्चर्स पढ़े, अगर वो उन्हें बुक से समझ में आता है तो वो बुक से पढ़े, अगर वो किसी और के सुनने से वो समझ पाते तो वो सुन के पढ़े, तो उन्हें सबकी अपनी अलग अलग होती है। उन्हें ये समझना होगा कि उनके लिए क्या वर्क करता है और उसके हिसाब से उन्हें आईके की तैयारी करनी चाहिए, तो उन्हें भी सक्सेस मिलेगा। इस बार की गोल्डन गर्ल उमा जाफर को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारियां रहीं और किस तरीके से वो पढ़ा करती थीं, जिसके चलते आज उनको जो है विश्वविद्यालय का गोल्डन गर्ल बनने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो बच्चे MBBS फाइनल प्रॉफ और सेकेंड प्रॉफ में अधिकतर फेल होते उसको लेकर भी इन्होंने सारी जानकारी दी। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।